नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर वर्धमान नगर के श्रेयस हाई स्कूल के एक 9वीं क्लास के बच्चा जब अपने सर पे टीका लगा कर गया पूजा करने के बाद में, वो टीका लगाया और टीका लगाने के बाद स्कूल गया। तो स्कूल जाने के बाद वहाँ की शिक्षिका जो थी, मैडम थी, दो शिक्षकों ने यानी दो मैडम ने उन्हें टीका लगाने से मना किया और अगर टीका लगा कर आए तो उसकी TC यानी कि उसकी लीविंग उसको दे देंगे, स्कूल से बेदखल कर देंगे, ऐसा टीचर ने धमकी भी दी। क्या नाम है आपका? कुणाल ठाकुर। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th। क्या हुआ था, आपने टीका लगाया तो आपको किसने क्या बोला? मैम ने बोले थे कि टीका लगा के आना मत कर, फिर OTC की धमकी दी और मारने की भी धमकी दी थी। कौन सी मैम ने? सॉरी मैम, डायडे मैम। मैम अगर बोल रहे थे कि ये अपना टीका लगा के मत आना करके, अगली बार से ये बजरंग दल वाले आए तो TC हाथ में दे दूंगा करके, ऐसा उसने बोला? ये डायडे मैम ने। डायडे मैम। हाँ, फिर मैम ने बोले थे कि ये कल से टीका लगा के आए तो मारने की, मतलब इससे पहले किसी बच्चे ने टीका लगाएगा? हाँ है, लगाया। उनके साथ में क्या किया? उनके साथ मतलब देखा नहीं होता, मारा भी थे 2-3 दौड़ में। सुनने में आया? हाँ, उनको मारा, फिर उन्होंने टीका लगाना बंद कर दिया। हाँ। शिव शक्ति अखाड़ा के जितने भी पदाधिकारी थे उन तक खबर पहुंची, वो सभी तीव्र हो गए और आखिरकार स्कूल के समस्त जो पदाधिकारी थे, जो संचालक थे, उनका तीव्र विरोध किया गया और जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने शिव शक्ति अखाड़ा को माफीनामा दिया। उसके बाद में वो मैडम, 3-4 मैडम ने उसको पकड़े वहाँ पे स्कूल में और उसको बोलते हैं तेरे को मारेंगे और तेरे को हाथ में TC देंगे, ये कहा का रूल हुआ? बोल रहे ना कि ये गलत है, संचालक के आना चाहिए ना मैटर। और आज कौन सी छुट्टी है ये बताओ, आज कौन सी छुट्टी है ये भी बता दो। आज छुट्टी इसलिए है कि शाला संचालक का बाढ़ दिवस यहाँ पे साजरा कर रहे हैं, इसलिए छुट्टी है और एग्जाम चालू है। स्कूल में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी धर्म के, स्कूल कोई धर्म के हिसाब से, लेकिन हाँ वैसा बोला है, वो गलत बोला है, उसकी माफी मांगने को तैयार है।